सावन में महादेव के दर्शन, प्राकृतिक गुफा में माँ गौरा के साथ पिंडी रूप में विराजमान है भोले भंडारी। प्रथम पूज्य गणपति सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास है शिवढांक में। कभी गौ माता अपने थनों से दूध के साथ करती थी शिवलिंग का अभिषेक। अंग्रेज अधिकारी ने तोड़ दिए थन और गिर गया था ढांक से। यहाँ पत्थर रूपी डमरू से निकलती हैं अद्भुत आवाजें। गुफा के ऊपर 12 मासी बावड़ी में है गंगा जी का वास। न्यूज एडिटर रविंद्र पंवर के साथ करी शिव ढांक पट्टाघाट के दर्शन। बसा जिसके हृदय में भगवान होगा, वो क्यों दर बदर जाकर हैरान होगा। बसा जिसके हृदय में भगवान होगा, वो क्यों दर बदर जाकर हैरान होगा। बसी होगी जिसके हृदय में मूरत तेरी, उसके लिए बियाबान भी गुलिस्तान होगा। और कहते हैं शिव भोले बाबा कि चला चल सच्चाई की राह पर, अंत में तेरे सामने तेरा ही ईमान होगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दर्शकों, आज सावन के महीने में इस सोमवार को हम अपने दर्शकों को दर्शन करवाएंगे शिव ढांक के। जी बिल्कुल, शिव ढांक वो स्थान है जहां पर शिव शंकर कैलाशवासी कैलाशों में निवास करने वाले भोलेनाथ साक्षात पिंडी रूप में मां पार्वती और अपने पूरे परिवार सहित 33 कोटि देवी देवताओं का जहां पर वास है, उस शिव ढांक में हम अपने दर्शकों को अभी लेकर जाएंगे। और ये सब लाइव टाइम्स टीवी पर मैं रविंदर पंवर और मेरे साथ कैमरा पर मेरा सहयोग दे रहे हैं विजय कश्यप, उनके साथ हम आए हैं, सहयोगी निशु भी हमारे साथ है और हम सावन के इस सोमवार को आपको दर्शन करवाएंगे शिव ढांक में प्राकृतिक शिवलिंग के। सावन में महादेव के दर्शन, देव दर्शन के इस एपिसोड में हम अपने दर्शकों को शिव ढांक में जिस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये शिव ढांक यहाँ पट्टा घाट में स्थित है। और पट्टा घाट वो पहाड़ी है जो सुबाथु रोड पर घट्टी देवठी के ऊपर उठा हुआ जो ऊंचा पहाड़ है, या इस तरफ हम बड़ो कुमहाटी से आते हैं तो कोरो कैंथड़ी को जो रोड कटता है कुमहाटी से थोड़ा पीछे से, वहां से ऊपर की जो पहाड़ी है वो पट्टा घाट है। और पट्टा घाट के बाद हम शिव ढांक में पहुंचते हैं और हम अपने दर्शकों को अभी दिखाएंगे कि ये शिव ढांक, जिसे यहाँ के लोग एक पवित्र स्थान के तौर पर आज से नहीं सदियों से पूजते आए हैं, बिल्कुल एक खड़ी ढांक है। और उस खड़ी ढांक में बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, एक छोटी सी गुफा है जिसे स्थानीय भाषा में डियारी भी कहते हैं। उस डियारी में भगवान भोलेनाथ की पिंडी माँ जगत जननी माँ पार्वती के साथ है। और साथ में कहा जाता है कि सूक्ष्म रूप में पहाड़ी की चट्टानों के रूप में यहाँ पर भोलेनाथ ही नहीं है बल्कि 33 कोटि देवी देवता जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं कि वो भी छोटे छोटे प्राकृतिक रूप में सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराज करते हैं। तो आइए चलिए दर्शन कीजिए मेरे साथ सावन के इस महीने में शिव ढांक में भोलेनाथ की पवित्र शिवलिंग के। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं शिव ढांक और देखिए ये शिव ढांक जो ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर जैसा कि मैं कह ही रहा था कि पूरा शिव परिवार यहाँ पर स्थापित है। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ पर गणपति महाराज के, जो विघ्नहर्ता सर्व विघ्नहर्ता यहाँ पर एक शिला में ही प्राकृतिक तौर पर गणपति जी की आकृति उनकी मूर्त उकरी हुई दिखती है। और इसमें गणपति महाराज शिव गुफा में जाने से पहले भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गणपति महाराज। ये शिव गुफा
कब अस्तित्व में आई, कब यहाँ के लोगों को इसका पता चला, इस बात के सही सही कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिलती है। लेकिन बताया जाता है कि आसपास यहाँ इस पहाड़ी के आसपास जो ग्रामीण लोग रहते हैं, उनके पूर्वजों को किसी महात्मा ने यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करवाए थे और तब से यह स्थान यहाँ पर माना जाने लगा और लोग नियमित तौर पर जो विशेष आयोजनों पर यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके पीछे भी बहुत सी कहानी है, हम अपने दर्शकों को वो कहानी भी बताएंगे, उससे भी अवगत करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको केवल सीधे भोलेनाथ के दर्शन करवाएं, उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करवाएं जो यहाँ पर सदियों से विराज है। तो हम पहुंच आए हैं उस पवित्र शिवढांक में जहां पर भोलेनाथ प्राकृतिक रूप से विराजे हुए हैं। और देखिए, इसका नाम ही शिवढांक इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर इस समय हम हैं। दूर दूर, बहुत दूर ये गांव दिख रहे हैं, दूर दूर उठे हुए पहाड़ हैं और नीचे बिल्कुल घना जंगल है जहाँ पर तरह तरह के जानवर रहते हैं और उससे नीचे फिर से रिहायशी क्षेत्र जो है शुरू हो जाता है। देखिए, इससे पहले कि हम यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करते, हमारे से पहले ही भोलेनाथ के बहुत से भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए। जय महादेव। हम इन लोगों से भी बात करेंगे, कौन कहाँ से आया है और क्या यहाँ के बारे में सोचते और समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ले जाना चाहूँगा सीधे उस पवित्र गुफा की ओर जहाँ शिवढांक में भोलेनाथ यहाँ पर साक्षात रूप से पिंडी के रूप में विराजमान है। तो ये देखिए, हमारे दर्शक देख सकते हैं भोलेनाथ महादेव यहाँ जो प्राकृतिक तौर पर पिंडी के रूप में विराजमान है और उनके साथ ही माँ पार्वती, माँ गौरा जो विभिन्न नामों से जानी जाती है, माँ जगत जननी, वो भी भोलेनाथ के साथ है। और हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, ये वो थन है जिन्हें कहा जाता है कि कामधेनु गौ माता स्वयं किसी जमाने में यहाँ पर दूध और जल से, अपने थन की धाराओं से बहते हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया करती थी। लेकिन बीच में इसे ये टूट गए और इनसे जल की जो बूंदे थी वो गिरनी बंद हो गई। लेकिन आज भी यहाँ पर हम उन माता के थनों का दर्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही ये देखिए, शेष नाग जी की तरह ये चट्टान जो उभरी हुई है यहाँ पर, ये भोलेनाथ की पिंडी के साथ ये भी विराजमान है। और ये डमडम जो डमरू की आवाज है, ये वही डमरू है जो भोलेनाथ के त्रिशूल में बंधा रहता है। भोलेनाथ जिस डमरू पर अपना तांडव और रौद्र रूप दिखाते हैं, ये वो डमरू है। और कहते हैं कि ये भी जब से लेकर यहाँ पर ये पिंडी प्रकट हुई है, ये डमरू भी तब से लेकर यहाँ पर भोलेनाथ के साथ बज रहा है और इसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही लगती है, इस चट्टान से निकलती हुई ध्वनि जैसे कि साक्षात भोलेनाथ का ये डमरू बज रहा हो। अब हम बात करेंगे स्थानीय निवासी तनुज ठाकुर से, जो कि यहाँ कोरो कैंथड़ी के रहने वाले हैं और शिवढांक की इस गुफा में, इस पवित्र स्थान पर वो अक्सर आते जाते रहते हैं। तो तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम स्ट्रीम में। नमस्कार तनुज जी, हमें बताएं, जैसा कि हमें मालूम है, हमने पता किया है कि ये बहुत सदियों पुराना शिवढांक है और इसका इतिहास जो कुछ ही किसी बाबा से जुड़ा है, जिन बाबा ने यहाँ के लोगों को, आपके लोगों के पूर्वजों के यहाँ के दर्शन करवाए थे, और कुछ एक किसी अंग्रेजी सरकार के समय, जब देश हमारा गुलाम था उस समय कोई अंग्रेजों से जुड़ा हुआ एपिसोड भी है। तो आप सबसे पहले हमें विस्तार से बताएं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को पता लगा था कि पट्टा घाट और चेवा के इस जंगल में, या घट्टी से जो हमारा यहाँ से इलाका था उसके जंगल में, ये शिवढांक और शिव जी यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है। ये जो है, हमारे पूर्वज बताते हैं कि जैसे यहाँ जंगलों में आते थे अपने जानवर पशु चराने आते थे,
तो कभी हमारे पूर्वज बताते थे कि हमारे बुजुर्ग जो थे कोई महात्मा यहाँ आए यात्रा में आए निकले होंगे, तो उन्होंने आवाज़ कोई इधर सुनी होगी गुफा में, तो वो मतलब जो जल की दूध की धारा या जल की धारा अंदर शिव जी के जो जल धारा बहती थी धन से अंदर, तो उसकी आवाज़ ध्वनि जो आती थी ऊपर वो कभी महात्मा जी को सुनाई दी होगी। तो उन महात्मा जी ने उन हमारे किसी पूर्वज को कहा होगा कि आओ आपको दर्शन करवाने ले जाते हैं, तो इधर ये जो अपना हमारा ये पहाड़ है ऊपर से ही पहले रास्ता होता था, ये रास्ता तो बाद में जैसे जैसे सुविधा हुई उस फिर बनाया लोगों ने, तो इसी पहाड़ी से उतर के वो इधर नीचे आए और महात्मा जी ने यहाँ जो हमारे कोई बुजुर्ग थे उनको दर्शन करवाए। तो उस समय से ये लोगों में आगे पता चला कि ये यहाँ पे जो है शिवलिंग है, और जो ये शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब इसको मूर्ति या कोई स्थापित नहीं किया गया है, ये स्वयंभू है, खुद ही निकला है। तनु जी, हमने ये भी सुना है कि इस जो यहाँ पर जब कभी किसी जमाने में इन थनों से शिवलिंग पर दूध गिरा करता था, तो किसी अंग्रेज अधिकारी ने इस स्थान की परीक्षा के लिए यहाँ पर इन थनों को तोड़ा था जी। तो इसके बारे में भी हमारे पूर्वज ने जो हम सुनते आ रहे हैं, तो अंदर जो उससे दूध से जो अपना अभिषेक शिव जी महाराज जी का होता था, तो वो थने एक कभी अंग्रेजी शासक इधर डकशाई और कसौली में उनकी पोस्ट होती थी, तो वहाँ रहते थे, तो वो यहाँ कहीं घूमने आ गए होंगे, तो उन्होंने यहाँ देखा अंदर थन वगैरह वो तोड़ने का कुछ उनका जो भी होगा उन्होंने तोड़ा, तो उस समय बताते हैं कि तो जब उन्होंने उस थन को तोड़ा, वो अंग्रेज जो है शासक जो भी था कोई भी था, तो वो यहाँ से नीचे गिर के उनका तो वो मतलब मर गए, बाकी जो पोस्ट उनकी डकशाई और कसौली में थी वहाँ आग लग गई थी, मतलब ऐसा बताते हैं जी। बिल्कुल, तनु जी ने सही फरमाया, हमें भी यही जानकारी मिली थी कि एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने पहाड़ों को भी अपने वश में कर लिया था और हम भी उनकी टेरिटरी में शामिल हो गए थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने इस स्थान की शक्ति परखने के लिए यहाँ पर थन तोड़े, तो उसी समय भोलेनाथ का, जैसे कि मैं कहता कि रौद्र रूप भी भोलेनाथ धारण करते हैं, ये गौरवमयी और करुणामयी ही नहीं है, ये तांडव भी करते हैं और तीसरा नेत्र भी खोलते हैं, तो जैसे ही उस अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ पर थनों को तोड़ा, वैसे ही अंग्रेज तो खुद इस ढांक से गिरकर नीचे सिधार गए, और जो उनकी डकशाई में छावनी हुआ करती थी उस समय, डकशाई कसौली जतोग में इन पहाड़ों में यहाँ पर आर्मी कैंट हुआ करते थे, तो डकशाई छावनी में उनकी चौकी में वहाँ पर पोस्ट में आग लग गई, और कहते हैं कि जब से लेकर वो आग लगी तब से लेकर वो अंग्रेज अधिकारी और छावनी के अधिकारी यहाँ आकर शीश नवाते थे और यहाँ भंडारा भी दिया करते थे, और अब भी शिवरात्रि या दूसरे आयोजनों पर डगशाई छावनी की तरफ से डगशाई की तरफ से यहाँ पर कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दी जाती है। तो ये थी महिमा शिवढांग की। तो तनु जी, हम अब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अब यहाँ पर कोई बड़े आयोजन होते हैं क्या, लोग यहाँ पर नियमित तौर पर आते हैं, या वर्ष भर में यहाँ पर क्या क्या त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं? त्योहारों का तो यहाँ पर ऐसा है जी, मतलब जो लोकल लोग हैं वो आजकल सावन के महीने में तो नज़दीक के जगह जगह से और गांव के तो चलो वो चल आते ही रहते हैं, शीश नवाते हैं, बाकी जो यहाँ का मेन प्रोग्राम है वो तो शिवरात्रि के टाइम ही इधर जो होता है, बाकी तो दर्शन के लिए लोग आते जाते रहते हैं जी। तो तनु जी, क्या यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि क्या इसमें और ज़्यादा यहाँ पर विकास किया जाना चाहिए, या ये जो प्राकृतिक स्थान है इसे इसी तरह प्राकृतिक तौर पर ही रहने दिया जाना चाहिए? जी, विकास के लिए, विकास तो चलो अच्छी बात है, कहीं भी हो रहा है, हर एक जगह पे हो रहा है, पर जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं ये कहीं कहीं पर ही हमें दर्शन के लिए मिल पाती है, और कहीं कहीं ऐसी चीज़ें बची हुई हैं, तो हम लोग चाहते हैं अगर ये प्राकृतिक सुंदरता ऐसे ही बनी रहे तो अच्छी बात है जी। हम जो और कुछ युवा साथी यहाँ पर है इनसे बात करेंगे। आपका नाम? विजय ठाकुर जी। आप विजय जी कहाँ से हैं? कोरो से। और आपका नाम? नमस्कार जी, दीपक ठाकुर जी, कोरो से। आप लोग भी अक्सर आते रहते हैं मंदिर में यहाँ पर, तो क्या अनुभव करते हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ आकर? मन को शांति मिलती है जी, और वैसे भी जैसे हमारा है ही मंदिर, तो सोमवार को या जैसे सावन के महीने में तो हर सोमवार को आते हैं, मतलब वैसे भी चले जाते हैं आप? बिल्कुल जी, हम भी ऐसे ही आते हैं, कभी साथ मिल गए तो चलो भी चलते हैं भोले के दर्शन करने, तो ऐसे सोमवार को तो खेल गया ही चक्कर।
धन्यवाद लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आप लोगों का। तो अब हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये ना वह केवल शिवढांक जो है प्राकृतिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा, ये इतना ऐसा जंगल है कि बहुत सी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर आसपास होती है। और कहते हैं कि इस शिवढांक जो ये शिवढांक के बिल्कुल ऊपर पत्थरों की ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो बिल्कुल कैलाश की तरह लगती है। और हम अपने दर्शकों को वो बौड़ी भी दिखाएंगे जो कहा जाता है कि माँ गंगा शिव भगवान के साथ ही यहाँ पर विराज करती है और कभी भी उस बौड़ी का पानी सूखता नहीं है। साथ ही ये जंगल भी आप देख सकते हैं और ये दूर तक यदि धुंध से ढका हुआ ये गांव दिख रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न केवल धार्मिक आस्था का यह केंद्र है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये स्थान अपने आप में अलग महत्व रखता है। वास्तव में ही असीम आनंद की अनुभूति है। और ये बौड़ी का पानी पीकर, पानी नहीं अब तो मैं इसे जल ही कहूँगा, गंगा जल, ये गंगा जल पीकर वाकई ही ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे कि इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अमृत मिल गया हो मुझे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अभी जहाँ जो शिव गुफा के दर्शन किए तो कहा जाता है कि शिव यहाँ अकेले नहीं है, शिव का पूरा परिवार भी हमने अब आपको दिखाया। और साथ ही अब आप ये भी देख लीजिए, ये साक्षात गंगा मैया का स्वरूप है जो इस छोटी सी बौड़ी के रूप में यहाँ पर स्थापित है। ग्रामीण कहते हैं कि इस बौड़ी का पानी, जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मी में भले ही इतना बहुत कम पानी आए लेकिन पानी जरूर आता है, ये बौड़ी आज तक कभी भी सूखी देखी नहीं गई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस बौड़ी में पानी ना हो। और यही यहाँ देवों के देव महादेव भोलेनाथ की माया है कि वो शिव ढांक में, शिव गुफा में अपने पूरे परिवार के साथ तो बिल्कुल कैलाश के ऊपर चोटी पर यहाँ पर गंगा मैया विराज रही है। हमने अपने दर्शकों को आज दर्शन करवाए पवित्र शिव ढांक के। और सावन का ये सोमवार आपके लिए भोलेनाथ का बहुत बहुत सा आशीर्वाद लेकर आए, इसी कामना के साथ हम अगले सोमवार को भी सावन में महादेव के दर्शन के तहत आपको फिर एक ऐसी ही पवित्र, ऐतिहासिक, धार्मिक और सदियों पुरानी, सालों पुराने शिव महादेव के दर्शन करवाएंगे किसी और क्षेत्र में जहां भोलेनाथ ऐसी ही कंदराओं में कभी रहे होंगे या उनका कोई ना कोई किस्सा कहानी उस शिव स्थान से जुड़ा होगा। तो हम अपने दर्शकों को अगले सप्ताह वहां पर लेकर आएंगे और आज जिस शिव ढांक के हमने आपको दर्शन करवाए उसकी महिमा आप जान ही चुके हैं कि अंग्रेज अधिकारी ने भी कोशिश की थी इस स्थान को परखने की लेकिन नतीजा ये हुआ कि इस ढांक से गिरकर अपनी जान तो गंवानी ही पड़ी बल्कि डगशाई में जो उनकी अंग्रेजों की छावनी थी वो भी आग में भस्म हो गई थी, पूरा डगशाई जलकर उस समय भस्म हो गया था। लेकिन जो लोग नियमित तौर पर भोलेनाथ की आराधना करते हैं, यहाँ आकर शीश नवाते हैं या किसी भी तौर पर शिव शांति, शिव शैव, शिव सर्वस्व, शिव सर्वज्ञ, इनकी पूजा और इनकी महानता को मानता है, भोलेनाथ उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। ऐसे ही हमारे दर्शकों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी प्रयास के साथ लाइव टाइम्स टीवी पर मैं रविंदर पंवर, कैमरा पर अपने सहयोगी विजय कश्यप के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। अगले सोमवार को फिर करेंगे किसी और शिव महिमा के दर्शन। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।